आज के जो आंदोलन है ये आंदोलन तो पहली बार जनता के नेतृत्व में किया जा रहा है, यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, जनता इसका नेतृत्व कर रही है। ये आंदोलन बार बार सरकार के सरकार जो सर्वे ला रही है पब्लिक के ऊपर बेवजह है, जबकि यहाँ से ना कोई सोसाइटी गई हुई है, ना यहाँ का कोई एक जनप्रतिनिधि यहाँ पे कोई एक भी इंसान यहाँ से नहीं गया हुआ कि हमें सर्वे चाहिए। ये बार बार शॉर्ट नोटिस पर सर्वे लाया जा रहा है और ये हमें परेशान किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, इसलिए आंदोलन है। ये आंदोलन हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि जनता की मांग पूरी नहीं होगी। जनता की मांगें हैं, अगर ये सर्वे सरकारी है तो मैं प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि जय हनुमान इतर आठ क्यों, जबकि लिंक रोड से लेकर यहाँ तक 30 से 35 सोसाइटियाँ हैं, तो सर्वे सबका होना चाहिए और पूरा कांदिवली में जहाँ जहाँ स्लम है सबका होना चाहिए। ये संजय नगर ही क्यों टारगेट पे है, मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इसका ये मेरी बातें वहाँ तक पहुँचाएगी कि कौन से कि इसका ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हमारे इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। जब भाजपा की सरकार थी तब से आप इस न्याय के लिए आपकी लड़ाई है जिस तरह से, लेकिन अब जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, तो अब क्या लगता है अब दो सरकारों ने आपकी बातों को सुना, लेकिन अब जो सरकार नई सरकार आई है आपकी बातों को सुना? देखिए, हम अपनी बातों को जनता की बातों को हम कोई भी सरकार आवे, यहाँ पे कोई सरकार का लेन देन नहीं है, यहाँ पे तो जनता का एक न्याय का लेन देन है। तो कोई भी सरकार है हम अपनी बातें उस सरकार से रखेंगे, अगर वो सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगी तो हमारा जन आंदोलन इस तरह रहेगा और हम इस आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर कौन से लेके जाएंगे। तो जो ये सर्वे किया जा रहा है उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, किस तरह का सर्वे कर रहे हैं और जिस तरह से आप काफ़ी समय से आपकी लड़ाई है मुझे देखते आ रहे, इससे पहले कि हमने जब आपसे मिलकर इंटरव्यू किए थे, तो दिक्कत आ रही है, कौन लोग हैं जो ये दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, जिनको लेकर आप जिनका नाम अगर लेना चाहेंगे? मैं अगर इसमें इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे बिल्डर लोग इन्वॉल्व हैं और उनके दलाल हैं, एकदम क्लियर कट बातें हैं, यहाँ पे बिल्डर उनके दलाल कौन से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जनता को कोई लेना देना सर्वे से नहीं है। वो बेचारे रोज काम पे जाते हैं, सुबह रात को आते हैं, घर में खाना बनाते हैं, सो जाते हैं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो कुछ लोग हैं, हम कौन से कि समाज के लोग हैं कि हमें बातें मालूम पड़ती है, जनता तक हम पहुँचते हैं और जनता हमारा सहयोग करती है और जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, जब तक ये न्याय नहीं होगा तब जनता से खड़े हैं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं, पहली बात तो जो सर्वे आ रहा है जनता को कोई जानकारी नहीं है, सोसाइटी के लोगों को जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सर्वे क्यों है, दूसरा मुद्दा है, सर्वे है क्यों, गवर्नमेंट का सर्वे है या बिल्डर का सर्वे है, सर्वे किस लिए है, वो हमारी ये मांग है कि हमें सर्वे क्लियर कीजिए ना, पारदर्शिता लाइए सर्वे में, सर्वे में पारदर्शिता लाइए। हमने उनसे बात किया तो बोलते हैं कोर्ट मैटर, कोर्ट से ऑर्डर आया है। भैया कोर्ट में गया कौन, ना यहाँ की सोसाइटी गई है ना यहाँ की जनता गई है, तो कोर्ट में गया कौन? हम उनसे हमने भी पूछा कि वो पारदर्शिता कर दिए, वो भी क्लियर करें ना, पब्लिक हमें करें कि कोर्ट में गया कौन। एकदम एक सौ का गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ धांधली हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये डेली खाने कमाने लोग हैं, इन्होंने तिनका तिनका करके घर लिया होगा और बड़े मेहनत की कमाई का घर है। अगर किसी का आसाना उजड़ता है तो इससे आप जान सकते हैं कि आसाना उजड़ने के बाद वो क्या होता है, बेचारे बेघर हो जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे हम। यहाँ नोटिस, शॉर्ट नोटिस दो दिन पहले आएगी, समझो आज 30 का सर्वे है तो 28-27 को नोटिस आई, शाम को कहीं चिपका के चले गए, ना किसी सोसाइटी को इन्फॉर्म किया है, ना किसी को जनता को इन्फॉर्म किया, कोई किसी को जानकारी नहीं सर्वे का। तब क्या लगता है कि आगे किस तरह से आप इस आपको इंसाफ मिल पाएगा, जिस तरह से सरकार से आपके द्वारा सरकार के आपके इंसाफ करेगी? देखिए, हम अपनी बातें रखने के लिए हैं, अब सरकार क्या करना चाहेगी सरकार को मालूम है, लेकिन हम अपनी बातें जनता से मिलकर करेंगे रखेंगे। अच्छा।